हेलो क्लास, आई एम उज्जवल सर, आप सबका स्वागत है। चले बच्चों देखते हैं। बच्चों अभी हम लोग आ चुके हैं फ्लैमिंगो के पोएट्री सेक्शन में, ठीक है। फ्लैमिंगो, उसके बाद पोएट्री सेक्शन, ठीक है बच्चों। कौन सा? पोएट्री सेक्शन में, ठीक है। ओके बच्चों, फ्लैमिंगो के पोएट्री सेक्शन में आ चुके हैं हम लोग, है ना। बिल्कुल, फ्लैमिंगो के पोएट्री, ठीक है, जो आपको बच्चों, ठीक है, और जैसे कविता जैसी लगती है आपको, है ना, कह सकते हैं कहानी से कविताओं की तरह जो लगती है, उस सेक्शन को हम लोग बच्चों पोएट्री, ठीक है ना, पोएट्री सेक्शन कहते हैं। तो फ्लैमिंगो के पोएट्री सेक्शन में आपके पास 1, 2, 3 ये चैप्टर है ना। पहला बच्चों, माई मदर एट सिक्सटी सिक्स, यही है बच्चों आपका माई मदर एट 66, यही वाली है ना आपकी माई मदर एट 66, ये वाली है बच्चों, ठीक है। ओके, इसका हिंदी क्या हुआ? मेरी मम्मी 66 66 साल की बच्चों, 66 66 साल की है। कितने साल की है? 66 साल की है ना। मेरी जो मम्मी है वो कितने साल की है? 66 साल की है ना बच्चों। इसका राइटर है बच्चों कमला दास, ठीक है ना, KAMALA, कमला दास, ठीक है बच्चों, ये कमला दास ने लिखा था, ठीक है। जल्दी से मैं आपको समझा दूं कुछ मीनिंग बच्चों। पहला मीनिंग जो है आपका वो है ड्राइविंग। ड्राइविंग का मतलब बच्चों, ड्राइविंग का मतलब यात्रा करते हुए जाना, ठीक है ना, यात्रा करते हुए जाना है। ड्राइव का मतलब चलना, गाड़ी चलाना, गाड़ी को चलाते हुए जाना है ना, या फिर गाड़ी पर बैठ करके यात्रा करते हुए जाना। बोलिए हाँ है ना, पक्का बोलिए, क्या सब कुछ दिख रहा है क्या बच्चों आपको? पक्का ना? बिल्कुल, मैं भी दिख रहा हूं ना। ओके, उसके बाद है दूसरा बच्चों, आई सॉ, है ना, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम। अगर आपके पास बुक्स हो तो आप देख सकते हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, मैं अपने माता पिता के घर से यात्रा करते हुए जा रहा था टू कोचीन, कोचीन जगह तक। यहाँ पर बच्चों एक जगह का नाम लिखा गया है, जहां पर कहां जा रही थी वो, है ना, कोचीन। कहां पर बच्चों? कोचीन, है ना, कोचीन जगह पर वो जा रही थी, क्योंकि कमला दास राइटर बोल रही है ना, राइटर है ना। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग बच्चों, पिछले फ्राइडे मॉर्निंग को, ठीक है ना, पिछले, लास्ट का मतलब बीते हुए फ्राइडे के मॉर्निंग को, आई सॉ माय मदर, दैट मीन्स पास्ट में बताया गया बच्चों ये कहानी, कहानी घटित हो चुकी है। बाद में इस राइटर ने लिखा क्या कि आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, मैंने, मैं, मुझे जो है बच्चों छोड़ने के लिए वो मेरी मम्मी थी साथ में, वो थी, पिताजी थे और कोई होंगे उनके साथ, है ना, बट उसकी माता जरूर थी बच्चों। तो आई सॉ माय मदर, मैंने माता को देखा जो मेरी बगल में बैठी हुई थी, बिसाइड मी, बिसाइड का मतलब बच्चों बगल में, है ना, बिसाइड का मतलब बगल में, उसकी मम्मी थी, वो कहां बैठी हुई थी? बगल में बैठी हुई थी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि डोज, डोज, डोज का मतलब बच्चों वो हाफी कर रही थी, ठीक है ना, एक मुंह खोल के होता है ना कि ओपन माउथ्ड, मुंह खोल के, है ना, तो ऊंघना, है ना, ऊंघना, ठीक है बच्चों, ऊंघना, डोज का मतलब ऊंघना, है ना, मतलब ये इतना खाना खा लिया है कि इसका ओवर डोज हो चुका है, तो खाना खा लेते उसको नींद आ रहा है, समझ गए, याद रहेगी, डोज, डोज का मतलब ओवर डोज, मतलब अब नींद आ रही है, ठीक है ना। ओपन माउथ, ओपन का मतलब खुला हुआ, माउथ का मतलब खुली हुई मुंह से, है ना। हर फेस एसन लाइक दैट, हर फेस का मतलब बच्चों उसका चेहरा, एसन, ASHEN, एसन, एसन का मतलब होता है बच्चों पीला पड़ना, ठीक है ना, क्या पड़ना? पीला पड़ना, बिल्कुल, है ना, पीला पड़ जाना, ठीक है ना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना कह सकते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाना बच्चों? निर्जीव हो जाना, ओके, निर्जीव हो जाना, ठीक है ना। एस, क्योंकि बच्चों एस का मतलब क्या होता है? राख, क्या होता है? राख, जिसमें जिसमें बिल्कुल जान ना हो, है ना, जो निर्जीव है,
तो ये बिल्कुल मेरी जो मम्मी है वो खुली हुई मुंह से ऊंघ रही थी, है ना, आफी ले रही थी, हर फेस एसन, उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था बच्चों, ठीक है ना, क्या पड़ गया था, पीला पड़ गया था, एकदम निर्जीव जैसा लग रहा था, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स बच्चों, कॉर्प्स लाइक मतलब की तरह, किसकी तरह बच्चों, सी ओ आर पी एस ई, कॉर्प्स का मतलब क्या होता है बच्चों, डेथ, जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, मतलब कह सकते हैं कॉर्प्स का मतलब बिल्कुल जो एक शव है बच्चों, शव, ठीक है ना, शव, मरा हुआ, डेथ पर्सन, मरा हुआ, है ना, उसकी चेहरा बिल्कुल पीली दिख रही थी मुझे, एकदम शव की तरह दिख रहा था, ठीक है ना, शव की तरह, मरा हुआ मनुष्य की तरह दिख रहा था, एंड रियलाइज विद पेन, और जैसे ही ये सब मैंने देखा ना, तो रियलाइज मैंने महसूस किया अपने आप को किस में, दर्द में महसूस किया, ऐसा राइटर कह रही है कि जब मैंने अपने मम्मी का पीला पड़ा हुआ चेहरा देखा, जब मैंने, है ना, उसका चेहरा बिल्कुल एकदम सब की तरह देखा, मरा हुआ व्यक्ति की तरह देखा, तो मैं बिल्कुल एकदम बच्चों दर्द से एकदम कराह उठा, ठीक है ना, मैं दर्द में चला गया, मुझे बहुत कष्ट हुई, पीड़ा हुआ। दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, सी वॉज एज ओल्ड एज, मतलब बच्चों यहां पर जो लिखा गया है एज और ओल्ड और एज बच्चों, ये है, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री, ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है ना, ये जो दो शब्द लगे होते हैं और इनके बीच में जब कोई एडजेक्टिव लगा होता है, देख रहे हैं ना, ये पॉजिटिव डिग्री है, डिग्री का मतलब होता है बच्चों किसी विशेषण शब्द का विशेषता बताना, तो कह रहा है कि सी वॉज एज ओल्ड एज, वो उतनी ही, एज बच्चों जब दोनों तरफ एज हो तो मतलब होता है उतना ही, उतना ही, जब दोनों तरफ एज हो तो उसका मतलब क्या होता है, उतना ही, तो सी वॉज एज ओल्ड एज, वो उतना ही बूढ़ी लग रही थी, है ना, ओल्ड का मतलब है ना बिल्कुल वृद्ध महिला लग रही थी, सी लुक्ड जैसा वो दिखती थी, जैसा वो दिखती थी उतनी ही लग भी रही थी, समझ में आ गई, बिल्कुल, बट सून, लेकिन जल्दी ही, सून का मतलब जल्दी, है ना, एस डबल ओ एन, सून का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, जल्दी, ठीक है ना, बट जल्दी पुट दैट थॉट अवे, थॉट का मतलब सोच, अवे का मतलब दूर, तो मैंने जल्दी अपनी इस सोच को, मैं पीला पड़ावा देख करके मैं बिल्कुल दर्द में चला गया, तो मैं अपने इस दर्द को, अपने इस सोच को दूर फेंका, वरना मैं और रो पड़ता और दर्द में चला जाता, तो मैंने इस सोच को ही दूर फेंक दिया कि मेरी मम्मी इतनी पीली क्यों दिख रही है, मेरी मम्मी इतनी वृद्ध क्यों दिख रही है ना, एंड लुक्ड आउट, लुक का मतलब देखना, आउट का मतलब बाहर, मैंने बाहर देखा, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब बच्चों तेज भागना, स्प्रिंट का मतलब होता है बच्चों भागना, उसमें आईएनजी लग गया तो किसका मतलब क्या हो गया, स्प्रिंटिंग का मतलब भागता हुआ, ठीक है ना, तो एंड लुक्ड आउट, मैंने बाहर देखा, किस पर, यंग का मतलब युवा, ट्रीज पेड़ों को, पौधों को, बच्चों युवा पेड़ क्या कहलाता है, पौधा कहलाता है, तो मुझे पौधा जो है ना वो भागता हुआ दिखा, तो बच्चों जब आप अपनी गाड़ी चला रहे होते हो तो आप जब गाड़ी से बाहर देखते हो तो आपको बाहर के पेड़ पौधे आपको पीछे भागते हुए दिखते हैं, तो मुझे तेज पेड़ पौधे पीछे भागते हुए दिख रहे थे, ठीक है ना, तो थोड़ा सा वो अपना सोच बदल करके बाहर देखा बच्चों, तो थोड़ा सा उसे अच्छा लगा कि पेड़ पीछे भाग रहे हैं, है ना, हरे बड़े पौधे, छोटे छोटे पौधे वो एकदम पीछे भाग रहे हैं, तो वो देख करके थोड़ी सी सोच में उसकी बदलाव हुई, ओके। द मेरी चिल्ड्रेन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मेरी का मतलब बच्चों प्रसन्न, एम ई डबल आर वाई, मेरी का मतलब प्रसन्न, ठीक है ना, मेरी का मतलब प्रसन्न, तो बच्चों उसको जो है वह प्रसन्न बच्चे स्पीलिंग आउट, घर से बाहर निकलते हुए, आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने अपने घरों से बाहर निकलते हुए प्रसन्न होते हुए, है ना, होता है ना जब लोग बचपने में होते हैं, तो अगर हम दो भाई हैं, दो बहन हैं, तो एक साथ एकदम हंसी मजाक करते हुए घर से एकदम दौड़ते हुए एकदम जी जान लगाते हुए, कोई हमारा पीछा कर रहा होता है, कोई उसके आगे भाग रहा होता है, तो उसी तरह से प्रसन्न भाग रहा था, तो उस पोएट को थोड़ी सी अपनी जो है ना युवा, अपना जो बचपना था वो थोड़ी सी याद आई, पेड़ पौधे जब आगे पीछे भाग रहे थे, पीछे भाग रहे थे, तो वो देख करके थोड़े से उसके मूड में थोड़ा सा बदलाव आया, समझ में आ गई बात। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, आफ्टर का मतलब बाद में, एयरपोर्ट का मतलब बच्चों हवाई अड्डा, एयरपोर्ट का मतलब हवाई अड्डा,
सिक्योरिटी चेक, बच्चों जब आप हवाई अड्डे पर जाते हो और जब आप अंदर एरोप्लेन पकड़ने जाते हो तो उससे पहले आपकी पूरी सुरक्षा जांच होती है। सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, चेक का मतलब जांच करना, जांच पड़ताल करना, तो वो सुरक्षा तरह से वो जांच पड़ताल करते हैं आपके। तो वो पोएट भी जब अंदर चली गई, एयरपोर्ट के अंदर गई, तो उसका पूरा सुरक्षा जांच पड़ताल हो गया। स्टैंडिंग ऑफ फ्यू यार्ड्स, जब अंदर जो वो चली गई तो कुछ यार्ड्स, यार्ड्स का मतलब होता है बच्चों गज, यार्ड का मतलब गज, तो वो अपने उसकी मम्मी पापा जो है बच्चों वो बाहर ही खड़े थे, वो अंदर चली गई तो मतलब कुछ दूर हो गई, कुछ गज दूर हो गई, तो वो वहां खड़ी थी, कुछ दूर जाके खड़ी हुई, अंदर जब पूरा सब कुछ जांच हो गया तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, है ना, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा उसके चेहरे पर देखा, अपने माता के चेहरे पर देखा। वैन, डब्ल्यू एन वैन, वैन का मतलब होता है बच्चों फीका, रंगीन, डब्ल्यू ए एन वैन का मतलब क्या हो जाना, फीका पड़ जाना, एकदम रंगहीन दिखना, एकदम निर्जीव दिखना, एकदम पीला दिखना, समझ में आई, बिल्कुल चेहरे से एकदम जो है ना एक हंसी सी, प्रसन्न सी, एक जो है ना एक युवा स्थिति जो होती है वो एकदम सब कुछ खो चुका था उसका, रंगहीन फीकी पड़ी हुई थी उसकी चेहरे, ठीक है। पेल, पेल का मतलब ही होता है बच्चों पीला, पी ए एल ई, पेल का मतलब पीला, पीला पड़ जाना, रंगहीन हो जाना, फीका पड़ जाना उसका चेहरा। एज अ लेट विंटर, लेट का मतलब देरी से, विंटर का मतलब बच्चों है ना शरद ऋतु, अभी जो विंटर अभी है ना शरद ऋतु चल रही बच्चों है ना सर्दी का मौसम जो, तो जब सर्दी मौसम अंतिम में होता है बच्चों, जब खत्म होने वाला होता है, तो देखोगे कि उस टाइम पर चंद्रमा निकलती है, चंद्रमा निकलने लगता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और उस टाइम पर जब चंद्रमा निकलती है बच्चों, तो वो बिल्कुल डीम सी लाइट होती है उसकी, धुंधली सी प्रकाश होती है, ज्यादा तेज प्रकाश नहीं होता है, तो वो उसकी तरह मेरी मम्मी दिख रही थी, एकदम धुंधली सी उसकी चेहरी दिख रही थी, ठीक है। फैमिलियर एक, ए सी एच ई, एक का मतलब तो क्या होता है बच्चों दर्द, ए सी एच ई, एक का मतलब क्या होता है दर्द, और फैमिलियर का मतलब परिचित, फैमिलियर का मतलब बच्चों परिचित, जिससे हम लोग मिल चुके हों पहले, है ना, फैमिलियर, तो फैमिलियर है ना परिचित दर्द, ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर से, जब मैंने उसको मम्मी को दोबारा देखा तो ऐसा लग रहा फिर से कोई परिचित दर्द मेरे अंदर से निकल चुका हो। परिचित का मतलब ऐसा दर्द जो पहले कभी आ चुका हो, जो मैं अनुभव कर चुका हूं, तो वही फिर से दर्द वो महसूस करती है। माय चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का वो डर, मतलब वो बचपन में जिस तरह से अपने मम्मी के साथ खेलती थी, तो वो बचपन का जो बातें याद आती है कि मम्मी का हमेशा साथ रहना, तो वो चीज अब लग रहा है कि मम्मी को खो दूंगी मैं, मम्मी अब मेरे साथ ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है, तो वो डर अब उन्हें सताने लगा है, ठीक है। एफ ई आर, फियर का मतलब डर। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन जब सब कुछ मैंने जो अपने आप से कहा, सी यू सून, और मैंने अपने मम्मी से भी कहा क्या कि सी यू सून, सी यू सून का मतलब होता है जल्दी मिलते हैं, सून का मतलब जल्दी, और सी यू का मतलब देखना, फिर से मिलते हैं, फिर से हम लोग मिलेंगे, फिर से एक दूसरे को देखेंगे, ठीक है ना। अम्मा, अम्मा हम लोग फिर मिलेंगे, चिंता मत करो, तुम कहीं कहीं नहीं जाने वाली हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे और हम जरूर मिलेंगे फिर से, मैं जा रही हूं बाहर, फिर से आऊंगी और तब तक तुम रहोगी और हम मिलेंगे। ये मम्मी को भरोसा दे रही है, क्योंकि मम्मी को भी लग रहा है कि अब मेरी एज हो चुकी है ना, तो वो भरोसा दे रही है ना ये कह करके। All I did was smile and smile and smile. और जो अब मैंने उसके बाद ये कि मम्मी है ना मैं चलता हूं फिर मिलूंगी, और उसके बाद जो मेरा काम था वो था मुस्कुराना, मुस्कुराना और मुस्कुराना, मम्मी को देख करके बस मुस्कुराते हुए विदा होना, ताकि मम्मी मेरी जो है ना वो थोड़ी सी मुझे प्रसन्न देख करके वो भी प्रसन्न हो जाए, थोड़ी देर के लिए वो चिंता और वो डर और वो जो कष्ट है ना वो थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैं दो एक्सटेंजा की बात करता हूं, ठीक है ना, जो कि आपको बच्चों मिलेगा इसमें संजीव में बच्चों दो एक्सटेंजा मिलेगा आपको। पहला एक्सटेंजा आप देखेंगे पढ़ के, जिसका कंटेक्स्ट और रेफरेंस में बच्चों का क्वेश्चन आता है, तो अगर वैसे क्वेश्चन आंसर आएगा तो आप देख लीजिएगा, और जो रेफरेंस और कंटेक्स्ट में आएगा बच्चों, जैसे कि एक्सटेंजा पहला लिखा हुआ है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, ठीक है ना, कोचीन एयरपोर्ट का नाम है बच्चों यहां पर, समझ गए ना, वो अपने घर से एयरपोर्ट उसकी मम्मी छोड़ने जा रही थी, ये तो आप देख ही लिए। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, है ना, आई सॉ माय मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। अब इसका बोल रहा है रेफरेंस करने के लिए, तो रेफरेंस का मतलब बच्चों ये कहां से लाया गया, कौन से पोएम का है। दीज लाइंस हैज
दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम बाय मदर्स एट 66 बाय कमला दास विच इज रिटन बाय कमला दास बाय किस पोएम से लिया गया है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम माय मदर इज एट 66 ठीक है ओके और उसके बाद विच इज रिटन बाय कमला दास लिख लेंगे रिफरेंस में रिफरेंस का मतलब संदर्भ मतलब कहां से लिया गया वो लाइन स्टेंजा कहां से लिया गया है और डिफरेंस के बाद हम लोग बच्चों तो कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट का मतलब है कि इसके लाइन के कहने का संदर्भ क्या है तो बच्चों हम लोग एक से दो लाइन में लिखते हैं इसको है ना पोएट क्या कहना चाहती है बच्चों ये पोएट क्या कहना चाहती है कि इस लाइन से इसका कंटेक्स्ट क्या है कि द पोएटेस POETESS ठीक है ना पोएटेस का मतलब कवित्री कवित्री है ना कवित्री जो है वो कवि द पोएटेस इज ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू दी कोचिन एयरपोर्ट बोलो हाँ या ना एंड इन दैट ड्यूरेशन उसी अंतराल में सी लुक्स एट हर मदर फेस वो अपने मम्मी के चेहरे पर देखती है एंड सी फील्स महसूस करती है द फेस ऑफ द मदर एज एज सन बोलिए हाँ या ना ठीक है ना एज सन उसके मम्मी का चेहरा मतलब शॉर्ट में लिखना है आपको उसको अपने मम्मी का चेहरा कैसे फील करती है एकदम एज सन है ना बिल्कुल एकदम रंगहीन फीका पीला महसूस करती है ठीक है ना एंड सी ऑल्सो फील्स हिज फेस लाइक अ डेथ पर्सन लाइक अ डेथ मैन लाइक अ कॉर्प्स ठीक है ना ओके एंड सी फील्स हर मदर हैज बीन कम इन टू द ओल्ड एज और वो उसकी मम्मी जो है वो उसकी बिल्कुल पुरानी है ना स्थिति में पहुंच चुकी है ठीक है ना ये कंटेक्स्ट में आप लिख देंगे अपने लाइनों में और उसके बाद बच्चों हम लोग मतलब एक्सप्लेनेशन लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में क्या होगा इसी को एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा अधिक लाइनों में लिख दो अपने शब्दों में लिख दो कि ये लाइन जो है ना मतलब ये जो कवित्री द पोएटेस इज ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम अपनी माता के घर से कोचीन स्टेशन जा रही है ठीक है उसी दौरान वो अपने उसकी मम्मी बगल में बैठी हुई है ठीक है ना उसकी मम्मी की जो चेहरे हैं वो डोज है ऊंग रही है अपना मुंह फोल करके इसी को लिखो ठीक है ना जब वो अपने मम्मी का चेहरा देखती है तो क्या पता चलता है कि वह आसन हो चुका है ठीक है लाइक दैट अ कॉर्प्स कॉर्प्स की तरह उसका सब उसका जो चेहरा है वो पीला पड़ गया है फीका पड़ गया है ठीक है ना उसके बाद क्या और महसूस करती है क्या कि हर मदर हैज बीन एज ओल्ड एज सी लुक्स जैसा वो दिखती है उतनी ही वो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है ठीक है ना और यह सोचना इसका द थॉट मेक्स हिम इन द पेन इन द एक उसको दर्द में लेके चला जाता है यही सोच उसका बोलो हाँ या ना कितना मजेदार स्टैंड जाता है और तो चिंता कर रहा भाई हाँ अब देखो बट सून सेकेंड स्टेंजा क्या है कि बट सून पुट दैट थॉट अवे ठीक है तो भाई हम लोग फिर से इसमें रिफरेंस में क्या लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय मदर्स एट 66 विच इज रिटन बाय कमला दास थैंक यू वेरी मच उसके बाद हम लोग कंटेक्स्ट लिखेंगे क्या लिखेंगे कि पोएटेस इज ड्राइविंग फ्रॉम बाय ये जो कंटेक्स्ट है वो संदर्भ क्या है इसका तो पोएटेस जो है वह कहां जा रही है समझना संदर्भ का मतलब समझना पोएट अपने घर से कोचिन जा रही है कोचिन एयरपोर्ट जा रही है अपने मम्मी को देखती है तो वो दर्द में चली जाती है इसीलिए उस दर्द से बाहर आने के लिए कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट में लिखना है आपको कि ही हैज एक या फिर ही हैज फेन सॉरी ही हैज पेन ठीक है आफ्टर द लुकिंग ऑफ अ मदर फेस और उसके अपने मम्मी का चेहरा देख करके वो कहां चली जाती है पेन में चली जाती दर्द में चली जाती है ठीक है सो कम आउट ऑफ दैट थॉट उस सोच से बाहर आने के लिए फोर कम आउट ऑफ दैट थॉट सी लुक्स आउट ऑफ द कार वो अपने कार से बाहर दिखती है ठीक है बाहर देखती है एंड दैट मैक्स हिम हैपियर और वो चीज उसको क्या करता है खुश कर देता है तो ये तो कंटेक्स्ट में लिखना है और एक्सप्लेनेशन कर दो एक एक लाइन का कितना है भाई कि वह जो है ना पोएटेस ड्राइविंग फ्रॉम फिर से एक्सप्लेनेशन में लिखोगे पोएटेस इज ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू द कोचिन एयरपोर्ट
ओके सी लुक्स हर मदर फेस सी फील्स सी गोज इनटू द डीप पेन वो गहरे दर्द में चली जाती है ठीक है टू कम आउट ऑफ दैट थॉट सी लुक्स आउटसाइड ठीक है बाहर देखती है सी लुक्स अ यंग ट्री स्प्रिंटिंग ठीक है एंड सीज देखती है एंड सी लुक्स देखती है क्या देखती है मेरी चिल्ड्रेन स्प्लिनिंग आउट दैट मेक्स हिम हैप्पियर वो उसको खुश कर देता है ठीक है एंड ड्यू टू दैट सी कम्स आउट ऑफ द पेन थॉट वो अपने दर्द के सोच से बाहर आ जाती है ठीक है ओके कोई दिक्कत उसके बाद बच्चों कि बट व्हेन ही रीचेज द एयरपोर्ट सी अगेन लुक्स द मदर फेस वो फिर से अपनी मम्मी का चेहरा देखती है एंड सी फील्स दैट हर मदर फेस इज वैन उसकी मम्मी की चेहरा बिल्कुल फीकी है वैन पेल पीला पड़ा हुआ है बोलो हाँ या ना बस एंड सी फील्स और उसको लगता है कि हर फेस इज अ विंटर मून क्यों लगता है विंटर मून बिकॉज मून इज डिम इन द विंटर सीजन इन द लेट विंटर सीजन में मून कैसा होता है डिम होता है और वो अपनी मम्मी का चेहरा भी बिल्कुल डिम महसूस करती है बोलो हाँ या ना ओके तो टू मेक द मदर हैप्पियर एंड टू मेक द मदर फील मम्मी को महसूस कराने के लिए कि सी विल सी सून वो फिर से मिलेगी जल्दी मिलेगी सी स्माइल्स वो मुस्कुराती है कितना मजेदार था यार नहीं था क्या मैं दो और समझाता हूं अगले दो वीडियोस में आप इसको तैयार कीजिए ठीक है ना थैंक यू वेरी मच